हालेलुया, सबका जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमन दीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीष रहें, आज का दिन आपको ब्लेस रहे, वो महान परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत कार्य करे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होती रहे, आपके बीच में होती रहे और आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि वो महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है। पिता परमेश्वर की जय जयकार करते रहें। और आज का वचन है कि शत्रुओं को नाश करने वाले वचन। हालेलुया, हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु है शैतान। अगर शैतान हमारे खिलाफ है तो हमारे खिलाफ हर एक संगत, हर एक बुरी संगत, हर एक बुरी सोच, हर एक बुरी जैसे कि लेकिन अगर शैतान हमारे खिलाफ है तो और शैतान हमारे विरोध में है तो वो हमें नाश करना चाहता है और हमें बीमारियों में, नशों में, व्यभिचार में, लड़ाई झगड़े में, बंधनों में, हर एक मुश्किलों में वो हमें फंसाना चाहता है। हालेलुया, ये महान परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा वो महान परमेश्वर है। हालेलुया, और वचन ये कहता है, अगर हम पढ़ते हैं और भजन संहिता में लिखा हुआ है कि 54:5 में वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हालेलुया, जो हमारे शत्रु हैं परमेश्वर उन्हें ही नाश कर देगा। हालेलुया, व्यवस्था विवरण 28:7 में लिखा हुआ है कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे, वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो कर्जा, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, बीमारियां, संकट, बहुत से ऐसे मुसीबतें जो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, लेकिन वचन कहता है वो आएंगे तो एक रास्ते से लेकिन भागेंगी 7 रास्ते से, क्योंकि वचन कहता है कि भागेगा शैतान जब होगी आराधना। हालेलुया, दौड़ेगा शैतान जब होगी आराधना। इस तरह भजनों में गाते कि भागेगा शैतान जब होगी आराधना, दौड़ेगा शैतान जब होगी आराधना। हालेलुया, सच में अगर आप चाहते हैं शैतान दौड़े, अगर आप चाहते हैं बीमारियां दौड़े, अगर आप चाहते हैं गरीबी दौड़े, अगर आप चाहते हैं बीमारियां, लाचारियां, मुश्किलें, संकट हमारे घर से निकले, हमारे परिवार से निकले, तो उस महान परमेश्वर की महिमा करने लग जाएं। हालेलुया, यहोवा कहता है, यहोवा का वचन कहता है कि यहोवा ने तो अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी। हालेलुया, उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर। हालेलुया, युद्ध के प्रसन्न रहते हैं और उनकी तितर बितर किया गया। मतलब कि कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं वचन में से, कुछ शब्द निकाल कर, जैसे भजन संहिता 5:10, भजन संहिता 68:13 और दूसरा शमूएल 17:14, पहला शमूएल 7:10 में, और ऐसे अद्भुत वचन लिखे हुए हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, यहोवा मेरे सामने से होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। दूसरा शमूएल 5:20, मतलब कि परमेश्वर हमेशा ही हमारी रक्षा करते हैं, वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। मतलब भजन संहिता 54:5 में कि जो भी मुश्किलें हैं, जो भी शैतान अपनी योजना बनाता है, परमेश्वर उन योजनाओं को ठप कर देते हैं। हालेलुया, लिखा गया बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। मतलब भजन संहिता 144:6 में लिखा कि परमेश्वर जो है वो हमें शत्रुओं से बचाने की ताकत रखता है, उसने अपने द्रोहियों को मारकर पीछे हटा दिया और उनकी सदा की नाम धराई कराई। मतलब भजन संहिता 78:66 में और यशायाह 21:24 में लिखा हुआ है कि अपने बैरियों से पलटा लूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो, अगर देखिए, अगर हम अलग अलग शरीर हैं तो बात अलग है, अगर हम जब मसीह में हो जाते हैं तो हम एक ही शरीर के हो जाते हैं और मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है। और मसीह का वचन ये कहता है कि मैं पलटा लूंगा, मैं बदला लूंगा जो आपके खिलाफ है, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको तंग करते हैं, मैं बदला लूंगा। जो बीमारियां आपको ऊपर हो जाती है, जो संकट आपको ऊपर आ जाते हैं, वचन कहते हैं कि मैं बदला लूंगा उन सब चीजों का, क्योंकि वह महान परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, वह दयालु परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, हर एक बीमारी से हमारी रक्षा करते हैं, हर एक मुश्किल से हमारी रक्षा करते हैं, हर एक मुसीबत से हमारी रक्षा करते हैं, हर एक बोझ से हमारी रक्षा करते हैं, हर एक बंधन से हमारी रक्षा करते हैं। महान परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर की महिमा करो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वह दयालु है, वह राजाओं का राजा है। वचन कहता है कि तेरे जितने शत्रु हैं वो एक रास्ते से हमला करेंगे लेकिन 7 रास्तों से भाग जाएंगे।
हालेलुया। उस महान परमेश्वर की महिमा करें, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वो रब सलखा रवन मरी बेसी लिखी रिवी नमा। उस महान परमेश्वर की महिमा करें। वो महान परमेश्वर है, वो हमारे बीच में से हर एक रोग दूर करता है, हर एक मुश्किल दूर करते हैं। इस भोर के समय में उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें और उस महान परमेश्वर को पुकारें और कहें कि पिता परमेश्वर प्रभु मुझ पर दया कर, आपकी दया मुझ पर बनी रहे, आपका दया वाला हाथ मुझ पर बना रहे, आपकी महिमा मुझ में होती रहे, आप महान रहें, आप सर्वशक्तिमान रहें, आप दयालु रहें। उस महान परमेश्वर की महिमा करें, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वह महान है, वह सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। क्योंकि वचन कहता है कि जब तक तुम प्रार्थना करते रहोगे मैं तुम्हारे संग रहूँगा, कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता, ना कि बीमारी, ना कि संकट, ना कि कर्जा, ना कि लाचारी, ना कि गरीबी, ना कि मुश्किलें, ना कि अड़चने। क्योंकि जब तक मसीह हमारे साथ हैं, वो हमें बुद्धि और ज्ञान देता रहेगा, वो हमारे जीवन में प्रकाश लाता रहेगा, वो हमारे बीच में अद्भुत कार्य करता रहेगा। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी इन सबको ब्लेस करें, ये आशीष तो नहीं पाएं, दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन कहता है यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारे विलाप के दिन समाप्त करना चाहते हैं, और परमेश्वर हमारे विलाप के दिन समाप्त करना चाहते हैं, और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु और पिता परमेश्वर हमारे विलाप के दिन समाप्त करना चाहते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हारे सदैव के ज्योति, जो हमेशा ज्योति है, वो ज्योति तुम्हारी चमकती रहेगी। आप हमेशा देखते रहेंगे कि वो महान परमेश्वर महान है, वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। और वचन कहता है धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। और जो अपने मन को साफ रखते हैं, भजन संहिता 97:11 में कि जो अपने मन को साफ रखते हैं परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। जो भी हमारे शत्रु है, जो हमारे विरोध में है, अगर आपका मन साफ है तो आएंगे एक मार्ग से लेकिन दौड़ेंगे सात मार्ग से। वो महान परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान है, वह दयालु परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर की महिमा करें, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, उस महान परमेश्वर की महिमा करें। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इन सबको ब्लेस करें, ये आशीष तो नहीं पाएं, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए। मेरे पिता सच में, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आज जो एक आस उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, जो एक भरोसा लेके बैठे हुए हैं, मेरे पिता इनके बीच अद्भुत कार्य करो, ये आशीष तो नहीं पाएं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी सच्चे महान हैं, आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी आप महान हैं। मेरे पिता आज जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे शत्रु हैं वो ढल जाएं, मेरे शत्रु हैं वो कांप जाएं, मेरे शत्रु हैं जो मुझसे दूर हो जाएं, हर एक बंधन से मुझे छुटकारा मिल जाए, हर एक बीमारी से मुझे छुटकारा मिल जाए, मेरे हालात बदल जाएं, मेरा जीवन बदल जाए, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मेरा जीवन मजबूत कार्य करो, मैं आशीष तो नहीं पाऊँ, मैं आशीष तो नहीं पाऊँ, मैं ब्लेस होने पाऊँ। मेरे पिता मेरा जीवन मजबूत कार्य करो, मेरे पिता मैं आपके महिमा को देख नहीं पाऊँ, मैं आपके प्रकाश को देख नहीं पाऊँ, मैं आपके ज्योति को देख नहीं पाऊँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनके बीच अद्भुत कार्य करने पाए, ये आशीष तो नहीं पाए, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु इनके बीच अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता आपका अभिषेक, आपका जलाल इनके ऊपर होने पाए। मेरे पिता और रब सलखा रबन हमारी बिसी लिखी रिबन, मेरे पिता आपकी महिमा आपके जलाल से भरपूर होने पाए। दया करने वाले परमेश्वर जो भी शत्रु उनके खिलाफ हैं वो सब बैठ जाएं, जो भी हथियार इनके खिलाफ हैं वो सब बैठ जाएं, आपके नाम से इन आशीष मिले, ये ब्लेस होने पाए, ये ब्लेस होने पाए, ये ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका बीच अद्भुत कार्य करो, ये आशीष तो प्रभु आपका अनुग्रह इन पर रहे। इनका जो भी शत्रु हैं वो दौड़ जाएं, वो भाग जाएं, वो सात मार्गों से भाग जाएं, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता। आमीन।